एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एक डिफरेंट लुक, जो कि है बोहेमिया स्टाइल, जो कि समर में बहुत अच्छी लगती है। या आप बीच एरिया पर घूमने जाते हो या समर में कभी भी आप इस टाइप का लुक जो है वो स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ट्रेंडी भी है ये लुक। और आपके पास थोड़ी बहुत भी मैक्सी ड्रेसेस या स्कर्ट या शॉर्ट्स या जो भी शर्ट वगैरह हो उनके साथ में ये लुक आप स्टाइल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है और थोड़ी बहुत ज्वेलरी होनी चाहिए ऑक्सीडाइज, तो उससे आप अपने लुक को कम्प्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 5 to 6 बोहेमिया स्टाइल जो है वो क्रिएट किया आप लोगों के लिए। तो आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जैसा कि आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। चलो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अपने फर्स्ट लुक के अंदर मैंने वियर करी एक मैक्सी ड्रेस जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय करी है। आपने मेरा मैक्सी हॉल वीडियो देखा होगा। और नेक में एक मल्टी कलर का नेक पीस एंड हैंड में मैंने मल्टी कलर का ब्रेसलेट वेयर किया है एंड कैप एंड बूट्स वेयर करके अपने लुक को कंप्लीट किया है। एंड जो सेकंड लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही एलिगेंट लुक है, मेरा फेवरेट लुक है ये। वो जो स्कर्ट है वो मैंने मिंत्रा से बाय करी है, टावी ब्रांड की है। एंड टॉप सेम मिंत्रा से बाय किया है जो कि एक ऑफ शोल्डर टॉप है। और हाथ में जो है एक बूहो स्टाइल का मैंने हैंडबैग कैरी किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप का ओफ शोल्डर टॉप अगर वाइट कलर का हो या और कोई भी कलर का आपके पास अवेलेबल हो तो ये बहुत स्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। और मल्टी कलर का ही नेक पीस, छोटे छोटे बीच का जो नेक पीस आता है वो मैंने वियर करा है। और आप अपनी पसंद की कोई भी हेयर स्टाइल आप स्टाइल करके इस लुक को कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने हील्स वियर करी है यहाँ पे। और ये स्कर्ट बहुत ही प्यारी स्कर्ट है, आपके पास कोई भी कलमकारी स्कर्ट हो कॉटन की तो आप बोहो स्टाइल के लिए एकदम परफेक्टली स्टाइल कर सकते हो। अपने नेक्स्ट लुक में मैंने वियर करी है फुल लेंथ की मैक्सी ड्रेस जिसके साथ में मैंने बूट्स वियर करे हैं और सेम हैंडबैग को मैंने कैरी किया हुआ है। जूट का है ये हैंडबैग, आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई वर्क का हैंडबैग आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप के लुक के लिए। तो आपके पास कोई भी मैक्सी ड्रेस हो फुल लेंथ की जिसका थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो तो आप उसको बूहो लुक के लिए स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर कर सकते हो एक अच्छा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए। अपने नेक्स्ट लुक के लिए मैंने वियर करी है डेनिम स्कर्ट एंड अंदर एक ब्लैक कलर का इनर वियर करा है। और ऊपर जो मैंने जैकेट वियर करी है वो मैंने शीन से बाय करी थी 2.5 ईयर पहले। और नीचे जो है मैंने हील्स वियर करी है और अगेन मल्टी कलर के नेक पीस मैंने वियर करा और हेयर में एक हेयरबैंड लगाया है मैंने। तो इस टाइप से मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया। आपके पास कोई भी मल्टी कलर की जैकेट या ब्राउन कलर की जैकेट हो तो आप इस तरह से डेनिम स्कर्ट के ऊपर स्टाइल कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, आप ये लुक ट्राई करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने नेक्स्ट लुक में मैंने वियर करी है डेनिम जीन्स और ऊपर ऑफ शोल्डर टॉप वियर किया है एंड ईयर में और नेक में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वियर करी है और नीचे बूट्स स्टाइल किए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये लुक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नॉर्मल ये लुक मतलब ये लुक क्रिएट करने के लिए इस टाइप की ड्रेस आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये वीडियो अपलोड करने के लिए। तो और मुझे मेहनत भी बहुत लगी है, लाइक ये सारे लुक मैंने अलग अलग दिन शूट किए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ये लुक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ईज़िली इस टाइप की ड्रेसेस सबके पास अवेलेबल हो जाती है और हाफ़ हेयर करके मैंने एक बन बनाया है हाफ हेयर के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा लुक कौन सा अच्छा लगा। और नेक्स्ट लुक जो मेरे पास में है वो मैंने स्टाइल किया है, ये शर्ट जो है मैंने बहुत टाइम पहले फ्लिपकार्ट से बाय किया था। सेम ब्लैक इनर वियर किया है और नीचे मैंने हॉट पैंट वियर करी है और एक स्लिंग बैग कैरी किया है और अपने ओपन हेयर रख के मैंने एक हेयरबैंड अप्लाई किया है हेयर में। तो और नीचे मैंने स्टाइल करने के लिए बूट्स वियर करे हैं। तो ये लुक भी बहुत इजी और सिंपल है, आपके पास लॉन्ग श्रग हो तो भी आप हॉट पैंट पर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास में नीज तक का श्रग था उसको मैंने इस टाइप से स्टाइल किया है। आप इसके लिए मेरा श्रग हॉल वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको डिफरेंट टाइप की श्रग
परचेस करने हैं किसी भी वेबसाइट से, तो मैंने अपना एक श्रग हॉल वीडियो भी अपलोड कर रखा है। अपने नेक्स्ट लुक में जो मेरी कुर्ती है वो मेरी बहुत फेवरेट कुर्ती है, अनॉक ब्रांड की है, और इसको भी मैंने 3 से 4 साल पहले मिंत्रा से बाय किया था, और इस कुर्ती के ऊपर मैंने 7 से 8 लुक क्रिएट किए हैं। तो ये कुर्ती मैं बहुत तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेनिम शॉर्ट्स के साथ में सेम इनर वियर किया है, और बेल्ट लगाकर मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है, और ऊपर जो है मेरे पास स्कार्फ था जिससे मैंने बोहेमिया स्टाइल से स्कार्फ को एज ए टर्बन वियर किया है, और ऊपर जो है ऑक्सीडाइज नेक पीस को स्टाइल किया है अपनी टर्बन के ऊपर, और नीचे बूट्स वियर करे हैं। तो मुझे ये लुक बहुत बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लुक लगा है, बहुत ही स्टाइलिश लुक लग रहा है। अगर आपके पास इस टाइप की कोई कुर्ती हो जो हाई स्लेट और फ्रंट में जिप हो, तो आप बेल्ट लगाकर इस टाइप से अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइज, इस टाइप की कुर्ती के साथ बहुत बहुत तरीके से आप स्टाइल करके वियर कर सकते हो। एंड अपने नेक्स्ट लुक में मेरे पास एक ब्लू, नेवी ब्लू कलर का प्लाजो था जो भी मैंने बहुत टाइम पहले बाय किया था, और डेनिम शर्ट थी मेरे पास में जिसको मैंने नोट बनाया है अपने एज ए क्रॉप टॉप के लिए, और अगेन टर्बन वियर करी है अपने हेड पर, और एक स्टाइलिश बैग कैरी किया और हील्स वियर की है, और इस टाइप से अपने लुक को कंप्लीट किया। प्लाजो को स्टाइलिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट टाई की है जो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है इससे मेरा प्लाजो। सो आई होप गाइज आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बहुत बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया गाइज, तो सीरियसली लेना इस वीडियो को प्लीज़ गाइज। सो ये जो भी लुक मैंने क्रिएट किए हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों के पास आई होप ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी होगी, बस आपको थोड़ा सा स्टाइल करना है इनको और वियर करना है। अगर आप लोग इनमें से कोई भी लुक रेडी करते हो या वियर करते हो ऐसी कोई भी ड्रेस, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।